हाय गाइस, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। सो हेयर्स पर मत जाना क्योंकि मेरे सर में हो रहा था दर्द, तो सो मैंने ऑयलिंग कर रखी है और आज मैं बनाने जा रही हूँ। बहुत लोगों का कमेंट आया था मेरे सब्जी मंडी वाले व्लॉग पे बैगन लेते हुए कि बैगन का भरता बनाइएगा, तो ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लिट्टी चोखा, जो कि मेरी फेवरेट है, बिहार की फेवरेट है, और मैं हूँ बिहारी तो मेरी फेवरेट ऑब्वियस सी बात है होगी ही। तो आज मैं जा रही हूँ वो बनाने, तो चलिए दिखाते हैं आपको मैं कैसे बनाती हूँ लिट्टी चोखा। तो सबसे पहले बैंगन पकाने के लिए बैंगन में ऐसे कट लगा लेंगे। अभी हम यहाँ पे पकाएंगे बैंगन और इधर मम्मी ले रही हैं ठंड में कोल्ड ड्रिंक का मज़ा है मम्मी। हाँ जी, और मम्मी की आज फरमाइश थी कि एक साइड उतर रखेंगे कि आलू बैंगन का भरता बने और लिट्टी बने। तो एक साइड मैंने बैंगन पकने को रख दिया है, एक साइड मैंने टमाटर पकने को रख दिया है। तो मैं दो बैंगन लूंगी, दो टमाटर लूँ। तो बैंगन और टमाटर दोनों को अच्छी तरीके से पलट पलट के, उलट पलट के पका लेंगे, जैसे मैं पका रही हूँ आप देख सकते हैं। मेरा बैंगन लगभग पक चुका है, बैंगन भी और टमाटर भी। मम्मी बनाने जा रही है लिट्टी, बनाने के लिए उसका मटेरियल सत्तू मसाला बनाने जा रही हूँ मम्मी। आज मम्मी बताएंगी इसमें क्या क्या पड़ता है। हाँ मम्मी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे मम्मी? तो और तेज बोलिए। बेसन निकालने पहले। बेसन? बेसन? अरे तो क्या कर रही हो? हाँ बना रही है। तो अभी मम्मी सत्तू ले ली हैं। हम इसमें डालेंगे नमक। ओके, स्वाद अनुसार। अच्छा जी, ये यहाँ पे पड़ रहा है घर के सरसों का तेल। अब डालेंगे खटाई यानी आमचूर पाउडर। मुँह में पानी आ रहा है। नींबू होना चाहिए? नींबू है नहीं। नींबू है नहीं तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह पे कुछ और खट्टी चीज यूज कर सकते हैं। अब क्या डालेंगे? भरा हुआ मिर्चा। अब भरा हुआ मिर्चा डालेंगे, भरे हुए मिर्चे का अचार और उसका खट्टा खट्टा तेल।
और इधर आप लोग देख सकते हैं इंतजार करने के लिए ये बैठे हुए हैं। और इधर मम्मी और लिट्टी बनाए जा रही हैं और ये खाने के लिए बैठे हैं। जल्दी दो क्योंकि उसका कारण मैं बताती हूँ। उसका कारण ये है कि मैंने बनाया ही इतना टेस्टी है कि मसाला में, अरे मम्मी भरता, मेन तो भरता होता है उसमें भी। देखिए उसमें भी देखिए, मैंने मिर्चा कटवा, मेरा हाथ तो लगा ना। हाँ इसीलिए मैं पूछूंगी, मैं इतनी मेहनत से बना रही हूँ तो मैं पूछूंगी नहीं कैसा बना। कैमरा फोकस किया था सीधा मुंह पे, कैसा मुंह बनता है खाने के बाद। देखो बन गया मुंह, अच्छा बना, एकदम जोरदार। आखिर बनाया किसने है मैं बाहर खुद अपने घर मम्मी अब ये करते नहीं है तो हम वो मौका खुद ही ले लेते हैं। एक और मुझे भी खिला दो। थैंकू। कैमरा रोलिंग, एक्शन एक्शन। मम्मी तो बड़ा मुस्कुरा खा रही। मम्मी कैसा है? फर्स्ट क्लास। मम्मी देख भी नहीं रही खाने में, ऐसा जुटी वो इधर जो लेटे हुए, अभी तक उनको भूख नहीं लगी थी, सबके मुंह से तारीफ सुन सुन के उनको भी लग गई है भूख। तो कि आप लोग देख सकते हैं कि कौन खाने बैठा है और जिनसे मैं पूछने आई हूँ, हम बाप की तारीफ नहीं कर रहे अभी, आगे भी सुन लीजिए, और जिनसे मैं पूछने आई हूँ कि कैसा बना है। तो ये खैर मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो पूछने आई हूँ, क्योंकि पनीर वाले ब्लॉग में आपने देख लिया होगा थाली में कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद सिर्फ कमी निकाली है। अच्छा ये कैसे हुआ भैया? भैया ये कैसे हुआ? आज आपके नाम का वो कहाँ से निकला है? सो गाइस मेरी लिट्टी बन चुकी है सारी, ये देखिए, और ये दो तीन लिट्टियाँ इन्होंने ऐसे पूरी टाइप में बनवाई हैं सुबह खाने के लिए चाय के साथ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि इनको चाय पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इन्होंने सुबह के लिए बनवाई है ऐसी पूड़ियाँ, तो चार पांच मैंने वैसी बना दी है। और बाकी का सब कुछ हो गया है, सब लोग खाना भी खा चुके हैं जो कि आपको दिखाई दिया मैंने, बस मैं बची हूँ खाने के लिए, और मुझसे इंतज़ार बिल्कुल नहीं हो रहा क्योंकि भूख भी लगी है, और ये देख के तो भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फाइनली मेरे खाने का टाइम आ गया, ये है मेरा खाना और अब मैं खाऊंगी। मेरे मुंह में आ रहा है बहुत तेज पानी, बहुत जोर की भूख लगी है। कुछ ज्यादा सा चोखा लेकर के, और इसी के साथ मेरा ब्लॉग होता है यहीं पे खत्म। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में।